जो फलाना टाइप के जो लोग हैं वही देखेंगे या फिर उनको देखने को मिलेंगे। कुछ टाइप के जो प्लेस है उसमें हीरो वैसा होगा, हीरोइन वैसी होगी और उस टाइप के माहौल में वो टाइप की ऑडियंस होगी। अभी यहाँ पे ये कथा जो है वो साइड में रख दो, आपको एक चीज नजर आएगी। मैं यहां पे देखता हूं, लिखता हूं ऑडियंस। ये तीन टाइप की ऑडियंस है। ओके, एक हम लोग ने पकड़ के चला देव, मानव, दानव। अभी जो कला है वो इन तीनों तीनों इसके हकदार है, बराबर है। ये आप इस तरीके से ना देखते हुए ऐसा देखो कि कुछ ऑडियंसेस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं, वो ये। कुछ लोग जो होते हैं वो न्यूट्रल माइंडसेट से आए हुए होते हैं, ये। कुछ लोग जो है वो डिस्टर्ब्ड माइंडसेट से आते हैं, वो है ये। और ये ऐसी कला की निर्मिति हो जिसके वजह से तीनों का समन्वय हमको मिले। जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ समझ में आ रही है सब लोग को कि सर के ऊपर से आ रही है? आ रही है समझ में? ओके, अभी हम लोग ये इस तरीके से देखेंगे कि जैसे ऑडियंस बदलती है ना, देव अगर होंगे तो उनका जो हीरो है, उनकी जो हीरोइन है, उनका जो नाटक का कंटेंट है वो उस तरीके का होगा। मानव अगर देख रहा है कुछ चीज़ों को, यानी एक टाइम ऐसा भी था कि देव के लिए जो देव यानी इंद्रलोक में जो किया गया नाटक वो सामान्य आदमी नहीं देख सकता है, फिर ब्राह्मणों ने जो किया हुआ है उनके लिए जो किया गया है, उनकी जो कथाएं है वो नॉर्मल शूद्र आदमी नहीं सुन सकता। ऐसी भी एक टाइम ऐसा था जब बोला करते थे, ऐसे हुआ नहीं करता था, ऐसे बोला करते थे कि उस अगर तुमने सुन लिया जो ब्राह्मणों ने सुना है वो अगर तुमने सुन लिया तो तुम्हारे कान में शीशा डाला जाएगा, वो मर्क्यूरी डाला जाएगा ताकि आप बहरे हो जाओ। सुना ही है? तो कुछ एक शास्त्र होता है जिसके लिए एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। अभी यहां पे हमको एक जरूरत है समझने की, सब टेक्स्ट। क्या है ये सब टेक्स्ट? आप लोग आज तक सिर्फ ये ऊपर ऊपर से सुनते आ रहे हो, लेकिन उसका हिडन मीनिंग ये है कि मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी अलग होगी, इसकी मैच्योरिटी अलग है, इसकी मैच्योरिटी अलग है, राइट? तीनों की ऑडियंस बदलेगी तो आपको नाटक करने का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, एक्टिंग करने का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टर अलग है तो अलग डायरेक्टर के साथ में तुम अलग तरीके का एक्टिंग करोगे। सबके लिए एक जैसे एक्टिंग करोगे क्या? आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो नवाजुद्दीन देखा और किक मूवी में जो नवाजुद्दीन देखा, दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो? क्या चेंज हुई? आप अभी एक्टिंग क्लास के स्टूडेंट हो तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि किक मूवी में ज्यादा से ज्यादा उसने जो कमर्शियल सिनेमा का जो कंटेंट है उसको अडेप्ट करने के हिसाब से एक्टिंग किया। स्टाइल देखो उसकी, वो ये जो किया वो किया, फिर चुटकी में मैं मौत से भी लड़के आता हूँ, 15 मिनट में जाता हूँ, टक करके बाहर निकलता हूँ, राइट? ये चीजें क्या है? ये कमर्शियल है, राइट? अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर वॉज नॉट कमर्शियल, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर वॉज मोर ऑफ नियर टू डॉक्यूमेंट्री ऑफ थिंग, यानी धनबाद का क्या होता है, उसके बाद उस जनरेशन का नेक्स्ट क्या होता है, उसके हिसाब से एक्टिंग है, राइट? अभी अगर आप ऑडियंस चेंज कर दो, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की ऑडियंस है वो किक मूवी को लाइक करेगी क्या? उतना लाइक करेगी? डेफिनेटली नहीं करेगी, बोले क्या किक मूवी है, बराबर। हम लोग ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं ना मूवीज को, ऑडियंस बदलेगी तो मूवीज बदलनी चाहिए। अभी ये चीज आप दिमाग में रखो जो मैं बेसिक्स बोल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है। अगर आप नाट्य शास्त्र सीखना चाहते हो तो सबसे पहला क्या आता है? माइंडसेट एंड मैच्योरिटी।
अभी हर एक की मैच्योरिटी अलग है, उसके हिसाब से हर एक ने नाट्य शास्त्र को भी डेवलप करते वक्त अपना अलग अलग कंक्लूजन लिखा। यह मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो नाट्य शास्त्र एक्चुअल में है उसका बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही है कि नाटक करना। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो अब मैं धीरे धीरे आपके पास आऊँगा। नाटक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों ने कहा कि हम लोग भी हकदार है इस कला के, जो सुनी जा सके, देखी जा सके, फील की जा सके। क्लियर है ये? उसके बाद वो नाट्य शास्त्र लिखा गया, पांचवा वेद। किसने लिखा? भरत मुनि। भरत मुनि के पहले नाटक नहीं था, ऐसा है क्या? उसके पहले भी नाटक था, लेकिन उसके हकदार सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग थे, तो उसके वजह से समाज में बैलेंस नहीं होगा। और मानव का जो मन है उसको एक प्रकार की जो शांति मिलनी चाहिए कुछ एक कला को देखने के बाद, वो मिलेगी क्या? नहीं। तो जो मन है उसकी जो अस्थिरता समाज में होगी, वो समाज में उसकी अस्थिरता होगी कि नहीं होगी? आप देखो इंडिया में जिस तरीके के सिनेमा बनते हैं, इंडियन लोग की मन कैसे है और बाहर फॉरेन में कंट्री में जाओ उनके मन कैसे है, ये मन कैसे बदलता है? देख के, सुन के, कल्चर से, ट्रेडिशन से, इससे ही बदलता है ना। उनकी मूवीज जैसी होंगी वैसे उनके पब्लिक भी होगी, हमारी मूवी जैसी है वैसे पब्लिक भी हमारी वैसी होंगी। हमारी पब्लिक ये है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, राइट? एंड वो लोग, ओ हाउ सेक्सी यू आर। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो यहां पे नाट्य शास्त्र को इस मोड पे लाया गया कि जो सभी के काम आए। फिर उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है? अभिनय, चार प्रकार के अभिनय हैं जो इसमें आते हैं नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में नौ रस दिए गए हैं। इमोशंस के बारे में बात की है, सुना आपने नौ रस के बारे में? अभी ये एक ऐसी कला है जो सबके मन को भानी चाहिए, लुभानी चाहिए, आप एक मन में स्थिरता आपके लानी चाहिए, इसके लिए ये किया गया, ये कला है, बराबर। ये कौन कहता है? नाट्यशास्त्र कहता है। वही वेस्टर्न थिएटर जो है, अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसका थोड़ा सा से ब्रीफ आइडिया देते हैं, क्ल्यू दे रहा हूं मैं। फियर, लोगों के मन में फियर को इंक्लूड करो, और दूसरा है पिटी। नाट्यशास्त्र क्या कह रहा है? नाट्यशास्त्र ये कह रहा है कि सभी लोगों के मन में शांति क्रिएट हो, नाटक देखने के बाद, वो कला सुनने के बाद, देखने के बाद, अपना जो मन है वो एक स्थिरता पे आए, हमें मैच्योरिटी ज़्यादा आए, इसके लिए हमको वो देखना सुनना जो भी है, वो कला एक्चुअली कला क्यों है, कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है कि उसका रिजल्ट क्या है, राइट? सो वेस्टर्न कंट्रीज़ का मानना अलग है, इंडियन जोन का मानना अलग है। अभी यहीं पे आता है अपना नाट्यशास्त्र। अपना नाट्यशास्त्र ये कहता है कि जो इंसान है, देखने वाला जो है, वो और मैच्योर्ड बने, और क्रिएटिव बने, और यहाँ पे नाटक देखने के बाद जब वो लौट के घर पे जाए तो देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव दैट शुड हैपन। इसीलिए नाट्यशास्त्र, इसीलिए नाट्यशास्त्र में सबसे ज़्यादा इस कला में पॉजिटिव एंडिंग प्लेज ज्यादा लिखे गए। क्या लिखे गए? क्या लिखे गए? यस,
एंड अगर आप वेस्टर्न थिएटर्स में देखो तो निगेटिव एंडिंग है. हैमलेट देख लो, जूलियस सीजर देख लो, और कौन सा है प्ले याद है आपको, और कोई कैलिगुला नाम सुना है आपने प्ले का? सुना है, पढ़ो दीज नेम्स, राइट इट डाउन सो दैट यू कैन रिसर्च. मैं यही करता था जब हम लोग को कोई भी सिखाते थे, इवन विनय सर है, मैं हूँ, हम लोग की जो बैच है, हम लोग क्या करते थे ना, सर ने कुछ भी नया कुछ बोला ना, पिटी, तो पिटी लिख लेंगे. सर ने कॉमेडी ये बोला तो कॉमेडी पता है तो हम नहीं लिखते. लेकिन हम लोग जो थे, ये एकेडमी खोल के क्यों बैठे, क्योंकि हम लोग वो लेवल पे है कि हम लोग सर ने एक वर्ड जब भी अगर बोला ना तो हम लोग लिख के लेते थे. आप भी ये प्रैक्टिस करो. तो नाट्यशास्त्र में ये सारी चीज़ें हैं. इसके लिए अब करना क्या है, लोगों का मन लुभाने के लिए लोगों के मन की बात जाननी पड़ेगी. जो मोदी जी के मन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ ये मन की बात अलग है. ओके, तो इस मन की बात में क्या है कि मन में इमोशंस होते हैं. नाउ इमोशंस है, कोई बता पाएगा क्या क्या इमोशंस है? रस. ओके, रस पे आ गए आप, मैं इमोशंस बोल रहा हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भाव एंड रस. मैं आपको भाव पूछ रहा हूँ, आप रस बोल रहे हो, खुशी, हाँ हंसना, हंसना एक बोल सकते हो या फिर खुश होना बोल सकते हो, गुस्सा होना एक बोल सकते हो, शांत रहना बोल सकते हो, रोना, दुख, चलो ठीक है, कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज्ड के बदले हम अचरज रख सकते हैं, अचरज में कन्फ्यूजन आ ही गया. जेलस रख सकते हैं. और अभी ये सारी जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो यहाँ पे नाट्यशास्त्र में नौ रस में कंबाइन कर दी गई. अभी ये चीज़ क्या है लिख लो. श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार यानि सजना सवरना, ये एक हो सकता है. उसका जो भाव है वो है रति. अभी ये मैं सभी चीज़ों का नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दो तीन एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और नौ रस मैं बोलूँगा ओरली. आप मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर कुछ रिसर्च करो. सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोल दी तो इट विल बी लाइक कि गूगल का इन्फॉर्मेशन पूरा मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ. मुझे वो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर देना है. राइट, श्रृंगार, उसके बाद वीर, वीर रस, करुण, करुणा, करुण रस, श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत. अद्भुत का जो बेस है वह आश्चर्य, अचरज. अद्भुत, श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, भयानक, बिभत्स और शांत. बराबर है. अभी इसमें ये एकदम ही जरूरी चीज है जो सारे एक्टर्स को मिनिमम पता होनी चाहिए. अभी ये नौ रस याने क्या, जब नाट्यशास्त्र की निर्मिति हुई तो नाट्यशास्त्र ने ये कहा कि जब भी कोई नाटक देखे तो उस नाटक का कोई एक रस होना चाहिए जो ऑडियंस में निर्माण हो. क्या हो, कहाँ पे निर्माण हो? और बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं, मैं हास्य रस में एक्टिंग करके दिखाऊंगा और खुद ही हंसते हैं. है बराबर है. तो एक्टर्स डू दिस वेरी वेरी बिग मिस्टेक, जो खुद ही हंसते हैं. अरे तुम लोगों को हंसाओ, वो रस लोगों में निर्माण करो. आपको याद है गोविंदा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, राइट विनय सर?
गोविंदा वहां पर रोएगा भी ना तो हम लोग को हंसने को आता है, देखा आपने? वो वहां पे रो रहा है, अरे यार मेरी बीवी वो ऐसा है वैसा है, हम लोग यहाँ अरे वाह यार क्या लटक गया बंदा, उसके लटकने पे हम खुश होते हैं। एंड ये जो खुश होना है उसकी बर्बादी के लिए हम खुश हो रहे हैं क्या? क्या हम उसकी बर्बादी के लिए खुश हो रहे हैं? वो एक एंजॉयमेंट के तौर पे हम लोग ले रहे हैं ना। क्या हम चाहते हैं कि वो गोविंदा जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी बीबी ऐसा कुछ कर दे? क्या हम मूवी का एंड वैसा चाहते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये पतला थिन लाइनिंग है जो डेविड धवन के मूवीज ने मेंटेन किया है। आपने आपने कभी सुना है डेविड धवन के मूवीज के बारे में इस तरीके से जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ? गोविंदा की जितनी भी मूवीज है दो तरीके की मूवीज होती है। एक तो आप बोलते हो अरे यार कितना बुरा हो रहा है इसके साथ और हंसते हो, दूसरी मूवी है अरे यार कितना बुरा हो रहा है यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दुख खाता है। और तीसरा है अरे यार इतना बुरा हो रहा है इसके साथ, एक गुस्सा भी आता है। तो ऑडियंस को उनका जो मन है ना ऑडियंस का, उसमें जब हम छांस बनाते याद है ऐसा घोलते हैं राइट, तो उसी तरह से एक एगेट प्रॉप, ये वर्ड लिख लो आप, एगेट प्रॉप, एगेट AGIT PROP प्रॉप। अभी ये क्या है वर्ड वो आप घर पे जाके ढूंढ लो, दैट इज होमवर्क फॉर यू। एक ऐसा थिएटर इसी धरती पर बनाया गया जिसको एगेट प्रॉप थिएटर बोलते हैं, जिसमें चर्निंग होता है, विचारों का चर्निंग होता है। जो विचार है ना जो जम चुके हैं उनको घोला जाता है और उसमें से कुछ अच्छा बाहर निकाला जाता है, समझे? लास्ट बेंचर्स किसी के पास मेरा ध्यान ही नहीं है, आप भी ध्यान से सुनना ओके हाँ। तो अभी हम लोग को बेसिक्स ये ध्यान में रखना है कि जो हम अभिनय कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, बराबर। तो ये वर्ड मैंने यहां पे लिखा अभिनय, अभी नए, नए याने ले जाना, अभी याने के पास, उसके पास ले जाना, वो होता है अभिनय। याने भावना की तरफ, भाव की तरफ, किसी कंटेंट की तरफ, वो लेके जाने वाला कौन होता है? अभिनय को लेके जाने वाला होता है अभिनेता, राइट? हमारे सर थे विजय केंकरे, मराठी के बहुत जाने माने बड़े बुजुर्ग है, डायरेक्टर है अच्छे खासे। उन्होंने एक लाइन बोली थी आज तक मैं भूला नहीं हूं कि ये जितनी भी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, जैसे अभिनय है, अभिनेता है, लेके जाना, वी आर अ पोस्टमैन। अभिनेता कौन होता है? पोस्टमैन है। राइटर ने दिए हुए लाइंस वो ऑडियंस तक लेके जा रहा है खाली, बस आपको खाली लाइंस याद रखनी है, ऑडियंस तक लेके जानी है। लेकिन कैसे लेके जानी है ये इंपॉर्टेंट है। उसमें से निकालना क्या है हम लोग को? बाहर रस निकालना है। किससे? ऑडियंस में से। ऑडियंस के मन में क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट होना जरूरी है, बाहर निकलना नहीं। बाहर निकलना है अलग टर्म हो गया, ऑडियंस के मन में वो रस निर्माण होना चाहिए, तो रस निर्मिति बोला है। तो नाट्य शास्त्र जो है वो एक पर्टिकुलर शास्त्र है, मैं वापस थोड़ा सा समराइज करता हूँ। नाट्य शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें देखना सुनना फील करना ये सारी चीज़ें हम कर सके, वो अनुभव हमको भी मिल सके, इसके लिए एक शास्त्र बनाया गया जिसमें एक्टिंग आ गई, म्यूजिक आ गया, सारी कलाओं का समावेश आ गया, तो बन गई नाट्यकला। नाट्यकला एकमेव कला है जिसमें 64 कलाएं शामिल है, 16 विद्या 64 कला, आपको पता होगा ना ये, सुना है कहीं पे? नहीं सुना? कारपेंट्री, गोल्डस्मिथ, जो भी है ये सारी कलाएं होती है राइट। कारपेंट्री कला है, वुड कटर जिसे हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं, हाँ
लोहार, सुनार, सुतार, ये कौन है? ये सारे कलाकार है, राइट? तो ये इतनी सारी कलाएं एक में समाए वो नाट्यशास्त्र हो गया। अभी इस शास्त्र को क्यों बनाया गया? ताकि लोगों तक कुछ भाव पहुंचे, चीजें पहुंचे, और उसमें से आउटपुट्स क्या निकले कि लोग पॉजिटिव कुछ दिमाग में रखे और घर पे जाए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या नाटक बनाए गए? पॉजिटिव नाटक बनाए गए, कुमार संभव, मेघदूत, या फिर और भी कई सारे है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। सिर्फ एक नाटक था जो निगेटिव लाइंस पे बनाया गया था, किसी को नाम पता है? किसी को नाटक पता है? एक काम करो, दो नाटक है उसके बारे में रिसर्च करो, नाम लिख लो। एक है मृच्छकटिकम, 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 और एक है, मैं थोड़ी देर में नाम देता हूँ, अभी आई जस्ट फॉरगॉट, अभी मैं बोलते बोलते मेरा स्किप हो गया। वो नहीं, ये आप सर्च करो इन दोनों नाटकों के बारे में, ओके? और मेघदूत, ये एक नाम है नाटक का, उसके बारे में रिसर्च करो, मेघदूत। कुमार संभव, ये नाटक पढ़ो आप लोग, ओके? मृच्छकटिकम लिखा, ओके? और एक है, मैं बोलते बोलते मुझे याद आएगा तो मैं नाम बोल देता हूँ, कुमार संभव। और भी कई सारे नाटक हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नाट्यशास्त्र क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, शुरुआत कैसी हुई? अभी एक चीज और इसमें नोट करना, नाट्यशास्त्र में चारों वेदों का सार है, लिख लेना ये। नाट्य वेद एक ऐसा वेद है जिसमें चारों वेदों का सार है। चार वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद लिख लेना। हर एक वेद से एक एक चीज ली गई है, किसी से वॉइस से रिलेटेड चीज ली गई, किसी से बॉडी मूवमेंट्स की पार्ट्स लिए गए, किसी से आइडियाज का पार्ट लिया गया, किसी से वेशभूषा वगैरह जो अलंकार वगैरह है वो चीज़ें उसमें से उठाई गई। ऐसे चारों वेदों में से एक 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 चीज उठा के फिर बना वो नाट्य वेद। यस, बराबर है? नाट्य वेद कैसे बना, क्यों बना, दो चीज हमने सीखी आज। वो करने के बाद लोगों के मन में क्या होना चाहिए वो देखा। अभी अब हम आते हैं उसके हथियारों पे, कि हथियार क्या क्या उसके लिए, व्हाट आर द टूल्स। नाटक करना है ना, उसके लिए क्या चाहिए? अभिनेता चाहिए, राइट? नाटक होना चाहिए। नाटक के 10 टाइप है, लिख लो, दशरूपक, दशरूपक। अभी इसके लिए एक सेपरेट सेशन रखना होगा, बिकॉज इसमें काफी सारे डीम व्यायोग, जैसे मध्यम व्यायोग, ये एक नाटक था जिसका हमने, प्रिया बावरी, ये एक नाटक किया था जो वामन केंद्रे सर ने डायरेक्ट किया था, दैट वाज कम्प्लीटली क्लासिकल इंडियन थिएटर्स लाइन पे था, तो उस तरीके का था। तो ये जो चीज़ है ये हमको ध्यान में रखनी है, दीज आर द टूल्स। उसके बाद जो अभिनेत्री है, नायिका, अभी यहाँ पे आए थे नायक और नायिका, दो चीज़ लिख लो, नायक, हाँ, टूल्स, ये हथियार है हमारे, नायक यानि हीरो, नायिका यानि हीरोइन। नायिका 8 टाइप की हुआ करती थी, अष्ट नायिका उसको बोला करते थे। एक नायिका ऐसी, सिर्फ सुन लो, लिखो मत, बहुत कम समय है हमारे पास, तो मैं प्रैक्टिकल भी मुझे करवाना है, आई एम जस्ट मूविंग फास्ट।
अष्ट नायिका थी, उसमें एक नायिका ऐसी, एक टाइप की हीरोइन ऐसी थी कि जो सिर्फ दुखी रहेगी, उसका जो हस्बैंड और ये सिर्फ वो विरह में गई हुई खोई हुई होगी, वो विरह मर्दिनी ऐसा उसको। वैसे अलग अलग नायिका थी, एक है जो रोमांस में इन्वॉल्व है जिसका हीरो उसके साथ में है, ये ऐसा अलग अलग टाइप किया है। डेफिनेटली आज भी अगर हम मूवीज देखेंगे तो मूवीज में आपने क्या क्या देखा आज तक, जो 90s का जमाना है मूवीज का, उसमें एक हीरोइन तो बहुत कॉमन थी, हीरोइन अमीर थी, करिश्मा कपूर या फिर रवीना टंडन, ये सब राइट, अमीर बाप की लड़की और ये गरीब घर का लड़का उसको कैसे पटा रहा है, ये था। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट दिस कॉल्ड एज, ये नाटक का एक पार्ट है। अभी किसी नाटक में ये कॉन्फ्लिक्ट, हीरो हीरोइन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, किसी नाटक में वो दो हीरोज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, जैसे एक भीम है और एक दुर्योधन है, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, एक है भीम और दूसरा है घटोत्कच का, जो भीम और घटोत्कच का मिलन, उसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट था राइट। तो ये जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में अलग टाइप का नाटक, उसमें अलग टाइप की हीरोइन, उसमें अलग टाइप का कंटेंट, उसको बोलते हैं दशरूपक में से एक रूपक। फिर हीरोइन का स्टाइल बदला, हीरो का स्टाइल बदला, कंटेंट का स्टाइल बदला, वो हुआ अलग रूपक। तो ऐसे 10 रूपक हुआ करते थे। उसके लिए हथियार कितने हमारे पास, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक हीरो है, फिर अभिनेता हमारे पास है। तो हीरो में भी उत्तम, अधम और मध्यम, ये 3 टाइप्स हुआ करते थे। यानी एक ऐसा कि जो एकदम गॉडी दिखना चाहिए, राजा ही होना चाहिए, यानी एक नाटक ऐसा होगा जिसमें राजा ही होगा, एक कॉमन मैन के ऊपर स्टोरी नहीं बनाएंगे, कॉमन मैन के लाइफ की स्टोरी नहीं बताएंगे, गॉडी कैरेक्टर है उसका, जैसे इंद्र का समझो, इंद्र की स्टोरी है, इंद्र राजा है राइट, तो उसकी स्टोरी, या फिर राजा भरत उसकी स्टोरी। अभी ये कौन है, राजा। अभी ये जो नाटक होगा उसमें हीरोइन भी उस टाइप की होगी, हीरो भी उस टाइप का होगा, कंटेंट में क्या होगा, राज सिंहासन होगा, प्रजा होगी, ये सारी चीजें होगी राइट। तो ये नाटक अलग हो गया बराबर। दूसरे नाटक पे जाते हैं जहां पे दो फाइटर्स इन्वॉल्व है, एक तरफ है भीम, एक तरफ है घटोत्कच। घटोत्कच और भीम का मिलन आपको पता है किस तरीके से हुआ था, उनमें एक युद्ध भी हुआ था, ऐसे ही उठा के लेके गया क्या भीम, नहीं ना, और कौन कौन था क्या याद है, भीम, घटोत्कच और क्या नाम था, क्या नाम था, और घटोत्कच का पुत्र उसका नाम क्या था, हाँ राइट, बर्बरिक। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी ये टाइप का एक नाटक है, उसमें वीर योद्धा इन्वॉल्व है बराबर। यहां पे कौन है, दो वीरों की कहानी। ये क्या था, पहला वाला स्टोरी राजा की कहानी जिसमें प्रजा है, एक राजा की कहानी जिसमें रानी है, एक राजा की कहानी जिसमें दूसरा भी कोई राजा है, दो वीरों की कहानी, ये भी वीर है वो भी वीर है, और दोनों में अगर झगड़ा हो तो उसको अलग तरीके का नाटक बोला जाएगा। दो वीरों की कहानी लेकिन उसमें दोनों की फाइट इन्वॉल्व है कंपल्सरी, इस टाइप के नाटक को दशरूपक में व्यायोग बोला जाएगा। उसके बाद डीम नाम का एक है, उसके बाद प्रहसन नाम से एक। अभी ये सारी चीजें मैं सिर्फ कानों से सुनो। अभी डीम में भी हीरो जो होगा वो उत्तम होगा, उसका जो लाइफ स्टोरी बताई जाएगी उसमें वीरता होगी, थोड़ा सा आक्रोश होगा, ये ऐसी कुछ चीजें होगी। तो जैसे कंटेंट बदला, नाटक का जो हीरो है उसकी कुछ चीजें
ट्रेट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओके, पर्सनालिटी ट्रेट्स। राजा के बदल गए, स्टोरी बदलेगी। पर्सनालिटी ट्रेट बदले, स्टोरी बदल गई, हीरोइन बदल गई, प्रजा बदल गई, तो क्या हो गया? कंप्लीटली नाटक ही अलग हो जाएगा। तो ऐसे 10 टाइप के नाटक, उसको क्या बोलते हैं? दशरूपक। इसके ऊपर फिर कभी मिलेंगे तो एक एलैबोरेट सेशन करेंगे, बट दशरूपक याद रखना। नौ रस क्यों होते हैं? अभी ये जो राजा की स्टोरी है इसको लोगों के मन में डालना है, बराबर है? इसके लिए जरूरी क्या है? नौ रस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हमको एक्टिंग करनी है, व्यायोग की एक्टिंग करनी है हम लोग को, राइट? व्यायोग की एक्टिंग करने के लिए हम लोग को रस में कौन से रस पे फोकस करना पड़ेगा? वीर रस, रौद्र रस, इन पे फोकस करना पड़ेगा। श्रृंगार पे फोकस किया तो व्यायोग होगा क्या? वो भीम और घटोत्कच वाले में श्रृंगार कहां से आ गया भाई? समझ में आ रही है बातें? मजा आ रहा है? संस्कृत वाली चीज मैं आपके लैंग्वेज में, हाय, संस्कृत वाली चीज मैं आपकी लैंग्वेज में एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रस्ट मी, या आपके लिए एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बता रहा हूं। अब हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हीरो बदलता है वैसे एक्टिंग स्टाइल बदलेगी, वैसे ही लोगों के मन में हमको क्या डालना है वो बदलेगा। उसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे हम, दो या तीन, सर चलेगा प्रैक्टिकल? ओके, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे। मध्यम व्यायोग, या हमने ही नाटक किया था, सर भी आए थे देखने के लिए। ओके, उस टाइम पे मैं नट का कैरेक्टर निभा रहा था, जो नट नटी सूत्रधार वगैरह ऐसा है। मेरे साथ में सखी गोखले थी, मैं और सखी गोखले स्टेज पे किया करते थे प्ले। तो जो शुरुआत का इनिशियल पार्ट है नाट्य शास्त्र में, अभी एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे आने से पहले पहला जो पार्ट होता है नाटक का उसमें नरेटिव होता है, लिख लेना, नरेटिव, नरेशन। कुछ पॉइंट मैं भूल गया क्या रूपाली? कालिदास का ना, हाँ वो ले लिया मैंने, इम्प्रोवाइजेशन ना, वो अभी करते हैं। ओके, अब आप एक काम करो, आप राजा हो, सॉरी आप एक ब्राह्मण हो साधे, एंकर या फिर होस्ट ऑफ द शो ऐसा बोला जाए, और आगे ऐसा ऐसा नाटक आने वाला है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये हमको बताना है। एक या दो लाइन क्रिएट कर लो, लिख लो अभी जल्दी, अपने अपनी लिख लो एक दो लाइन, आप अपने दिमाग से लिखो पहले। जल्दी, हाँ हमारे पास सिर्फ 10 या 15 मिनट बाकी है। कोई कंफ्यूजन? जल्दी जल्दी लाइन लिख लेना। एक काम करते हैं, रूपाली तू इकड़े, अपने अन्ना थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करूँ, तू या साइड लो बिरा, मी तू तू क्या करना, तू रिस्पॉन्ड कर, हे ठेव साइडला, काय करायचं आपल्याला, रिस्पॉन्ड करायचं, तो तुला बोलवेल, तू कशा पद्धतीने बघणार, हां तो समजा आपल्याला स्टाईलाइज करायचं, आता तो समजा बोलेल आर ये, तुला फक्त आर य एवढंच बोलायचं, जसा तो बोलेल ना तसं तू बोलायचं, एवढंच कर, तुझी एक्सरसाइज करली। ओके, अभी एक काम करते हैं, मैडम इज देयर टू हेल्प अस, हर नेम इज रूपाली, शी इज इन टू मॉडलिंग एंड एक्टिंग ऑलरेडी। तो हम एक काम करते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, शी इज जस्ट देयर टू हेल्प एज अ कैरेक्टर, एक डमी कैरेक्टर है जो
सूत्रधार नट नटी का जो कैरेक्टर होता है ना, शी विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू यू. आपको यहाँ पे आना है और आपको आपके जो लाइन्स है वो उनको बताने हैं, उनको सुनाने हैं. एंड शी शुड लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू यू. फॉर्मेट ये रहना है, स्टाइलाइज्ड फॉर्मेट रहेगा इसका. अभी ये जितने भी प्लेस है इसका जो फॉर्मेट है ना वो मैं भूल गया था लिखना, दैट इज स्टाइलाइज्ड. स्टाइलाइज्ड फॉर्मेट होता है. आपने देखा होगा कभी भी जो महाभारत देखा, महाभारत कृष्णा सीरियल वगैरह वो सब. ताऊ भैया तुम वहां कहां जा रहे हो, इस टाइप का होता है थोड़ा. बरा हम लोग ऐसा ये ताऊ भैया वहां पे कहां जा रहे हैं ऐसा बोलेंगे. संस्कृत नाटक है, होगा ऐसे नहीं ना. तो इसमें क्या आ गया, ये जो फॉर्म के प्लेस है इसमें एक डिसिप्लिन होगी. डिसिप्लिन में क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा. एक रिस्पेक्ट टू द स्टाइल, यानी स्टाइल है ना एक, यारे कैसा है ये वाला नहीं रहेगा ना डेफिनेटली. एक बराबर खड़ा रहना, खुद के बॉडी को रिस्पेक्ट करना कि मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ. मैं अगर संस्कृत नाटक कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी वैसी है क्या. अभी हम नाट्यशास्त्र सीख रहे हैं राइट, तो नाट्यशास्त्र के लिए हमारी बॉडी कैसी चाहिए वो हमको सीखना है. अभी उसके लिए वॉइस कैसी चाहिए वो हमको सीखना है. आप सिर्फ कमर्शियल सिनेमा करते बैठोगे क्या. कभी अगर कुछ ऐसा रोल आ गया आपके पास तो आप नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो खाली कमर्शियल सीखा हुआ है. कमर्शियल जगह तो बोलो करण जौहर का मूवी करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ है तो बोल दो. No, खाली करण जौहर वाले कौन है यहाँ पे. नहीं नहीं मैं खाली करण जौहर की मूवी करूँगा. हालांकि लेट्स एक्ट का एक स्टैंडर्ड रह चुका है, उनके एक्टर सब जगह घूमते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं रहते राइट विनय सर. वो क्राइम पेट्रोल में भी नज़र आएंगे, वो सीरियल्स में भी नज़र आएंगे, मराठी में भी नज़र आएंगे, हिंदी में भी नज़र आएंगे, रोमांटिक सीरियल्स में भी नज़र आएंगे, कहीं पे भी नज़र आ सकते हैं. अभी यहाँ पे दो चीज़ है. लड़कों में से कौन आना चाहेगा, कोई है, चलो आ जाओ. गुड, कहाँ से हो आप. यूपी वाले तो वही है ऐसे हाथ उठा देते डायरेक्ट. आ जाओ मेरे पे हाथ मत उठा देना भैया, मैं डरता हूँ. मेरे पे हाथ नहीं उठाओगे ना. ओके अभी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. नाट्यशास्त्र है तो हम लोग लूज बॉडी रखेंगे नहीं. नाट्यशास्त्र है तो डिसिप्लिन क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी अपने बॉडी की, सामने वाले कैरेक्टर की. तू पण थोडं त्या पद्धतीने स्टाईल मध्ये स्टाइलाइज पर साइड मध्ये बोलायचं, रिस्पॉन्ड करायचं. जे आने बोलला हाँ नहीं हे रिस्पॉन्डिंग. अभी ये बेसिकली जो अगला सेशन आने वाला है ना, अभी ध्यान से अगले सेशन वाले ध्यान से देखना कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगले सेशन में मेसनर टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ आपको जो मेथड एक्टिंग से रिलेटेड है, तो उसमें ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है. ओके चलो, आपको आपने क्या सेंटेंस लिया है मन में. ड्रामा. हाँ बोलो सेंटेंस क्या रहेगा आपका, वो मुझे पहले सुना दो नाटक करने से पहले. अरे दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है. हाँ अभी ये इसको बोल रहे हो. अरे दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है. हाँ राइट. अभी इसमें तू काय कर, तू आता ह्याने जसं म्हटलं ना तशा पद्धतीने फक्त स्माईल दे फक्त याला, फक्त तेवढंच दे. हां भंग केली ना मला काय, मी तर तेच करायला लागली होती. ओके अभी आपको दो चीज है, चल के आना है, एक दो स्टेप्स, एक दो, इतना कम से कम चल के आना है, रुकना है और फिर बोलना है इसको. और वो भी आप सिर्फ ऐसे खड़े रह के बोलोगे ये तो बराबर है, जो इसने किया वो गलत किया ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, सही किया. जो है खड़े रह के बोल रहा है कि दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग की है, ये भी बराबर है, गलत नहीं है. लेकिन अगर डायरेक्टर चाहता है कि बॉडी मूवमेंट हो, हैंड मूवमेंट हो, तो इसको क्या करना चाहिए, अब वो हम देखेंगे नाट्यशास्त्र के हिसाब से.
अभी इसमें नाट्य शास्त्र में हम लोग को ये भी देखना है कि जो चार अभिनय मैंने बताए थे उसमें से एक अभिनय है ओके, जिसमें हमको ये पता चलता है कि हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वाचिक अभिनय जिसे बोलते हैं, वाचिक अभिनय में आप सिर्फ बोलते जाओगे ऐसा नहीं होता, इट इज़ वोकल्स, यानी कब रुकोगे, कब आपकी आवाज़ बड़ी करोगे, कब आपकी आवाज़ लो करोगे, ये भी सब होता है, राइट? तो वाचिक अभिनय सब लिख लेना जो मैं इसको बोल रहा हूँ, ये सबके लिए हाँ, वाचिक अभिनय। उसके बाद आंगिक अभिनय, उसके बाद आहार्य अभिनय और एक सात्विक अभिनय। लिखा? वाचिक यानी जो अब मैंने इनको बोला, क्या लाइन थी आपकी? अरे दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। हाँ, अरे दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। अभी ये क्या हुआ, इसको एक लाइन मिला, कैमरा लगा इसके ऊपर, अरे दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, कट। क्या होगा जब हम सीरियल देखेंगे तो पूरी सीरियल चल रही है 20 मिनट की, उसमें ये बोलेगा अरे मैंने ना एक्टिंग किया, मैंने ना एक्टिंग किया, और देखेंगे अरे एक लाइन आई चली गई, क्या हो गया पुत्री, होता ही है। एक ही लाइन है, उसको रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन में रहो, वर्ड्स वाली डिसिप्लिन। वाचिक अभिनय यानी कि आप थोड़ा पॉज लोगे बीच में कहीं ना कहीं। अभी इसमें एक चीज़ और है, ये जो आप कर रहे हो इसके लिए, अभी ये प्रैक्टिकल ही मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा टिप्स भी दे रहा हूँ। इसमें ये जो मूवमेंट है ना आईब्रोज का, नाट्य शास्त्र में सारी चीज़ें बताई गई हैं, नाट्य शास्त्र। अरे दुष्ट, तो अरे दुष्ट बोलते वक्त इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें, दिस इज कॉल्ड अस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आवर जेस्चर्स एंड फेशियल मूवमेंट्स। लिख लो, आप बाद में कॉपी कर लेना, अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूँ लिखने का। समझ में आ रहा है सबको? बहुत है भाई कंटेंट, इतना है ना वास्ट नाट्य शास्त्र का। और ये शास्त्र में अभी जैसे इन्होंने अरे दुष्ट, ये ऐसे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, अरे दुष्ट, तो क्या हो गया, यूज ऑफ आईब्रोज, या फिर अरे दुष्ट, तो आंखों का इस्तेमाल कर लिया मैंने, अरे दुष्ट तो थोड़ा, अरे दुष्ट तो दांतों का इस्तेमाल किया मैंने, अरे दुष्ट क्या हो गया, वॉइस का इस्तेमाल किया, अरे दुष्ट, यानी अंदर ही अंदर जलना जिसको बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया, राइट? अरे दुष्ट ही बोलना है, लेकिन आप फेशियल मूवमेंट्स, फेस के कौन से मसल से उसको इस्तेमाल कैसे करोगे वो देखना है। प्लस एक मैं क्ल्यू आपको दे देता हूँ नाट्य शास्त्र का, ये शास्त्र इतना बढ़िया शास्त्र है, एकमेव शास्त्र है जो कभी कोई फिलोसोफर इसको बीट नहीं कर सकता, जिसमें ये बोला गया है अगर आप ओठों का मूवमेंट करते हो ना, लिप्स का, लिप्स में भी कितनी सारी चीज़ें बताई है, सिर्फ लिप्स से एक्सप्रेस करना, एक होता है, एक होता है, ये एक है, एक है, राइट, एक है सेल्फी निकालना जो लड़कियां करती है हमेशा, राइट, क्या करती है वो, पाउट, राइट, हाँ, राइट, ये हुआ सिर्फ ओठों का इस्तेमाल करना, राइट। अभी ओठों का इस्तेमाल एंगल्स में होता है, ओठों को राइट की तरफ लेके जाओ तो एक एक्सप्रेशन बनता है, सिर्फ ओठों को लेके जाना है, ये ओठ है, क्या हुआ, सिर्फ ओठों की पोजीशन बदल दी, एक्सप्रेशन आ गया। ओठों को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, ओठों को अप, अप, ओठों को डाउन। अभी ओठों के साथ दांत का एक्सप्रेशन देखो, ओठों पे दांत, यानी अपर टीथ एंड लोअर टीथ, दो दांत है हमारे, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले,
ऊपर के दांत, ये एक हुआ, अभी दोनों सेम है, ध्यान से देखना, एक है दांतों का इस्तेमाल किया लेकिन मैंने ओट बंद रखा है, अभी दूसरा कि दांत दिखना चाहिए, दोनों का थोड़ा तो मीनिंग डिफरेंट है। दूसरा, दांतों को एंगल से अगर मैंने किया तो अलग मीनिंग आएगा, अलग मीनिंग आएगा, नीचे का दांत ऊपर मीनिंग आ रहा है। उसके बाद टंग, यूज ऑफ टंग, जुबान, उसके बाद ये टंग को भी अलग अलग तरीके से, अभी टंग को दांतों के साथ इस्तेमाल करना, कभी कभी अरे भूल गया, दांतों में रखा है, ओठों को टच भी नहीं किया है, ओठ साइड में ऊपर है, राइट, एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। ये हमको किसने दिया? नाट्य शास्त्र ने दिया। कौन से टाइप के अभिनय में बताया गया? आंगिक अभिनय, लिख लो, आंगिक अभिनय। इनको जो मैंने बोला था वो क्या बोला था? वाचिक, आंगिक, आहार्य यानी कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो होता है, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीजें उसमें आती है। सात्विक यानी थॉट प्रोसेस यानी सोच समझ के एक्टिंग करना। अभी इसने आया से बोल दिया, चलेगा क्या इसका बोलना? बोलो क्या लाइन थी तुम्हारी? अरे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। हाँ, अभी इसके पीछे थॉट जो है वो डिस्टर्ब होना, ये थॉट है, अभी मेरी तपस्या भंग कर दी यानी मैं बहुत बड़ा आदमी हूं जिसकी तूने तपस्या भंग कर दी, तू किस खेत की मूली रे, ये बताने के लिए। अगर थॉट बदल गया, थॉट में अगर ये है कि मैं खुद को बड़ा समझ रहा हूं, तो आपका वर्ड क्या आएगा? अब बोलो इनको, तू ये इकड़े या साइड लाए, तिकड़े चेयर चाहते साइड लाओ, हाँ बोलो, रिएक्शन करना है ना पूरा। हाँ, पूरा रिएक्शन, क्या क्या? पूरा रिएक्शन देना है ना। हाँ, अब वो ये तपस्या भंग करेंगे ना। हाँ, अरे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। हाँ, ओके, थम तिकड़े सर, तिकड़े। अभी इसमें इसने पहले से ज्यादा मुंह के मसल्स को यूज किया, पहले मुंह के मसल्स का इस्तेमाल था नहीं था, राइट, पहले पॉज था, अरे दुष्ट पॉज, फिर बोला, ये मैंने बोला कि यहाँ पे पॉज ले, मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि कहाँ पे रुकोगे कहाँ पे नहीं रुकोगे, इतना ही बोला ना, उसने अपना काम किया ना, तो ये एक्टर का काम होता है। डायरेक्टर सिर्फ तुमको ये बोलेगा अरे पॉजेस मिसिंग है रे, वो ये नहीं बोलेगा कि कहाँ पे मिसिंग है, उसके लिए तुमको एक्टिंग क्लास करना जरूरी होता है। अगर एक्टिंग क्लास किया है तो ये दिमाग में आएगा, अगर एक्टिंग क्लास नहीं किया है तो डायरेक्टर की जो लैंग्वेज है वो समझ में आएगी क्या? इसीलिए एक्टिंग क्लास जो करते हैं उनका एक्टिंग एक डायरेक्टर समझ बूझ के चलना जिसे बोलता है ना, वो ये एक्टर्स करते हैं जो सीखे सवरे एक्टर्स रहते हैं, उनको समझता है। जो सीखा ही नहीं है वो क्या सवाल पूछेगा? जिसने एक्टिंग क्लास किया ही नहीं है, सर पॉजेस यानी कहाँ पे पॉजेस लूँ सर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? राइट विनय सर, ये डिफरेंस है। सो अब आप वापस बोलना, उसके साथ एक या दो लाइन कुछ ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा। तू फक्त स्माइल से रिएक्शन दे, तेवढंच रिएक्ट कर। हाँ, अरे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, अब तेरी शादी कभी नहीं होगी।
सर, अभी इसकी शादी नहीं होगी यार, तेरे को कोई मिलेगा नहीं अभी, हे भगवान, इसको अभी कोई नहीं मिलेगा। ये बोलेगी कहां से विनय सर के क्लास में आ गए, अब मेरी शादी नहीं होगी। ओके, जोक्स अपार्ट, अभी ये दूसरा जो लाइन था ना, उसमें एक चीज मिसिंग थी, क्या पता है? क्या है ये? कन्विक्शन। इस ये यहां पे आता है सात्विक अभिनय, समझ रहे हो? अभी उसने लाइन तो बोला, लेकिन जो दिमाग में था वो जुबान से उस तरीके से बाहर निकला गया, हम लोग हंस दिए ना उस पे। वही अगर ये थोड़ा सीरियसली बोलता, कुछ पॉज लेके, कुछ माहौल को सीरियस बना के, यहां पे जरूरी है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलते वक्त थोड़ा सा माहौल पहले क्रिएट करो कि आगे मैं कुछ सेंटेंस बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसको क्या बोलते हैं? फोरग्राउंड प्रिपेयर करना, आगे का जो ग्राउंड है वो प्रिपेयर करना। लिख लो, दो चीज है, एक फोरग्राउंड, एक बैकग्राउंड। ये भी नाट्य शास्त्र में है। ओके, आप आओ नेक्स्ट, और कोई आएगा? लास्ट 5 मिनट्स, फास्ट आ जाओ, अभी आप शादी करवाई दो इसकी, उसने तोड़ दी, आप करवा दो, बात खत्म, फिटम फाट हो जाएगा। क्या क्या सेंटेंस है आपके, वो मुझे बोलते हैं। एक ही सेंटेंस मत लेके आना यार, मैंने बोला था दो सेंटेंस लेके आओ, आपने पहले ही सेंटेंस लेके आया ना, दूसरा भी सेंटेंस रेडी रखना चाहिए था आपने। हाँ, मतलब पहला सेंटेंस क्या आपका? मतलब सर, रस, कोई भी रस में बोल सकते हो? कोई भी रस में बोल सकते हो, कोई भी रस में बोल सकते हो। मुझे सिर्फ सेंटेंस बता दो कि दो सेंटेंस ऐसे क्या है जो आप अभी इसके सामने बोलोगे। तूने मुझसे प्यार करके बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल कर दी क्या यार? ये जो बोल रहे हो आप, बोल रहे मतलब तूने मुझसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, ये देखो, मैंने बोला था नट और नटी, सूत्रधार जो होता है ना नाटक का, कि आगे कुछ आने वाला है, कि आगे चलो हम चल के वो नाटक देखते हैं, आगे भीम देखो क्या करने वाला है, आगे हिडिम्बा का देखो क्या होने वाला है, ऐसे टाइप का मुझे एक्सपेक्टेशंस था आप लोगों से, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था। हाँ, आप बैठो, आप बोलो, आपके क्या सेंटेंसेस है? सर, मेरा ये है कि अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच कर माफ़ करता आया, मुझे लगता था कि तू अभी बच्ची, अबूद और नादान है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू अब बच्ची नहीं बल्कि एक कृतघ्न दुराचारी और गंभीर मनुष्य है, जो सत्ता की मत में ये भी भूल गई कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। चलेगा, ये किसी नाटक की लाइन है आपने बनाया? नहीं सर, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का डायलॉग, कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं ऐसा। ओके, ठीक, चलेगा, बोलो। नहीं नहीं, वो प्रॉपर, जस्ट पुट इट। हाँ सर, ठीक है। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच कर माफ करता आया कि तू अभी बच्ची, अबूद और नादान है। वेट, ये ऐसा खड़ा है, बीच में ये ऐसा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बॉडी वेट का शिफ्ट होना। क्या बोलेंगे? अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आप भरतनाट्यम भी देखो तो भरतनाट्यम में भी जो ऐसे ऐसे ये सारी करते हैं ना हरकतें, वो मुद्राएं बोलते हैं उसको, तो मुद्रा फिक्स्ड होती है, वो यानी वही चाहिए, उसको चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। तो आप भी, आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर अनस्टेबल है, ऐसा आप दिखा रहे हो। ये आप अनस्टेबल हो ऐसा नहीं है, ये कैरेक्टर आपका क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। कैरेक्टर को स्टेबल होना पड़ेगा। यस सर। अगर आपको कैरेक्टर अनस्टेबल दिखाना है, वो लड़का ही अगर ऐसा ऐसा, अगर वो लड़का ही अंदर से ऐसा ऐसा है, उसके अंदर ही अगर ऐसी कुछ चीजें चल रही है,
तो हिलेगा। यस सर। तो यहाँ पे अगर अनस्टेबिलिटी है तो बॉडी लैंग्वेज से बाहर निकलेगी। लेकिन आपने जो डायलॉग बोला है उसमें ये सूट हो रहा है क्या? नो सर। बॉडी शिफ्ट क्यों? क्योंकि डायलॉग है ऐसे कि जो माइंड में स्टेबल है उसके, उसको पता है कि वो कौन है, क्या है, किसके साथ बात कर रहा है, तो अब ऐसे वेट शिफ्टिंग नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है, इस वेट में भी, बॉडी वेट में भी। शिफ्टिंग टू दिस साइड, शिफ्टिंग टू फ्रंट साइड, शिफ्टिंग टू बैक साइड, शिफ्टिंग लाइक दिस, ड्रॉपिंग डाउन द वेट जिसको बोलते हैं। तो ये शरीर की हलचल ये बहुत नाट्यशास्त्र में मायने रखती है। ऐसे ही आपको कृष्ण का डायलॉग नहीं मिल जाएगा। अगर आपको कंस, कृष्ण या फिर जो भी है ऐतिहासिक रोल्स, अगर वैसे रोल्स चाहिए आपको, तो उसके लिए वैसी बॉडी लैंग्वेज आपको कैरी करनी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहे हो तो नाट्यशास्त्र तो आपको पहले बताना चाहिए। चलो करो सर। ऐसा गेस्चर तो थोड़ा सा पीछे जाओ सर। हाथ से तो यूज कर सकते हो ना गेस्चर? हाँ ठीक है। स्टार्ट। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच कर माफ करता आया कि तू अभी बच्चा, अबूद और नादान है। अभी और एक यूज ऑफ जेस्चर, ये आपने यूज किया। अभी ये ऐसा, तू ऐसी है, तू ऐसी है, ये अच्छा है कि तू ऐसी है, ये अच्छा है। ये क्या है पता है? क्या ये? कन्विक्शन। आपके बॉडी में वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रही। आपकी बॉडी है ना, वो पूरा दे नहीं रही है एनर्जी, और वो टू द टिप ऑफ द नेल, वहां तक आपकी एनर्जी चाहिए। ओके सर। समझे? तू जमन दोस्त हो, टिप ऑफ द नेल पर इनको तुझे एनर्जी पूर्ण रही। चलो। अभी तक मैं तेरी हर गलती को मैं माफ करता आया था। सॉरी सर। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच कर माफ करता आया था कि तू अभी बच्ची, अबूद और नादान है। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू अब बच्ची नहीं बल्कि कृतघ्न दुराचारी और गंभीर मनुष्य है, जो सत्ता के मत में यह भी भूल गई कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। मैं कृष्ण हूं, मैं वो हूं जिसके प्रेम से समस्त संसार सरस है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं, इसीलिए मैं था, हूं और सदैव रहूंगा। लेकिन याद रख दुर्योधन, मैं ही तेरे काल का मूल रहूंगा। अभी डायलॉग अच्छा है लेकिन इस डायलॉग में काफी सारी खामियां है। जी सर। डायलॉग हमने रट्टा मार लिया है, इतना ही दिख रहा है। इसमें वो जो बोलता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, उस टाइप पे अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना। पहले इसके ऊपर बात कर रहे थे जी। कि तूने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, टॉपिक चेंज हुआ ना। तो जब टॉपिक चेंज होगा तो वोकल, वो वाची का अभिनय कहाँ पे गया आपका? उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज का जो अभिनय है वो कहाँ पे गया? वो सेम ही रहा। और फ्लुएंसी जो है वर्ड्स की, और धड़ 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 मशीन गन की तरह बोल रहे हो, वो नहीं चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है? ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, पकड़ी जाती है और फिर अभिनय क्रिएट होता है। समझ रहे हैं सब लोग? आना और डायलॉग बोलना यानी डायलॉग नहीं होता। ओके तुला अंधायुक्त कई लाइन्स माहिती है? एक हाथ दोन लाइन्स नहीं माहिती? ठीक। हाँ ठीक है, आप बैठो। थैंक यू सर। वेलकम। दूसरा और कोई लड़की कि लड़के ही चांस लेंगे यहाँ पे? कोई है लड़की जिसमें है हिम्मत? अभी पहले वाले ने डायलॉग ऐसा बोल दिया कि कोई लड़की नहीं उठेगी। पता चला कोई लड़की उठ गई तो अब उसकी भी शादी ना हो। हाँ हाँ आई नहीं। हाँ अच्छा, न्यू बैच है इसलिए। हाँ 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 एक्चुअली ये सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। जब तक हम लोग का क्या हो रहा था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे एकेडमी का। हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड लोग थे जो बोलते थे अरे सर मैं करता हूँ ना, और आज हम लोग आपके सामने हैं।
जो लोग कभी आगे आए ही नहीं उनकी प्रैक्टिस होगी क्या? नहीं। तो जब वक्त आएगा स्टेज पे आने का, उस वक्त वो लोग बोलेंगे अरे मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई, मैंने तो एक साल या तीन महीना इसमें ऐसे ही चला दिया। तो मत करना, आगे आओ, बोलो क्या लाइन है आपकी? मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भीम से करूंगी, यही मेरा प्रतिशोध है आपके प्रति। ओके, ठीक है, चलेगा। तो आप इसको सुना रहे हो यानी शायद भीम की कोई रिलेटिव होगी। ठीक है, चलेगा। तू एक काम कर, आता फक्त यही अपना प्रतिशोध होगा, एक लाइन तुम बोलो, उसके बाद तू क्या कर, तू मधे रिएक्ट कर, क्या रिएक्ट कर फिर? यही मेरा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भीम से। तो ये बोलेगी ना ऐसा कि वो क्या? क्यों ऐसा ऐसा तुम्हें क्यों करना है? हाँ। ऐसा तुम्हें क्यों करना है बालिके? हाँ, स्ट्रेट उभी रहा अर्शी, ऐसा तुम्हें क्यों करना है बालिके? हाँ? चलो अब देखो, नाउ वी आर कमिंग टू इंटरएक्टिव सेशन। पहले था सिर्फ एक्टिंग एक बंदे का, वो मोनोलॉग जैसा हुआ था। अब ये इंटरएक्टिव कैसा हुआ है? अभी इसको डायलॉग फॉर्म में, पहले हुआ मोनोलॉग, मोनो या सिंगल, वो अकेला बोल रहा है। अब ये डायलॉग हो गया कि अब ये दोनों बोलेंगे। समझ में आ रहा है मोनोलॉग डायलॉग का डिफरेंस? समझ में आ रहा है? मुझे किसी ने पूछा था कि मोनोलॉग यानी क्या, तो आपको मोनोलॉग पता होना चाहिए। हाँ, चलो। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भीम से करूंगी। ऐसा तुम्हें क्यों करना है बालिके? क्योंकि मुझे उनसे प्रतिशोध लेना है। हाँ, अतः दोनों के वॉइस में, तू बिंदास कर, तू टेंशन ना हो क्योंकि हम दूसरे जगह पर कहीं पे हैं। तुझे बिंदास कर, मोटा नहीं कर, मोटा आवाज की। आप भी थोड़ा सा बड़ा आवाज यूज कर सकते हो। ओके, तू पूर्णपणे सपोर्ट कर। चलो, मैं विवाह करूंगी तो भीम से करूंगी। ऐसा तुम्हें क्यों करना है बालिके? क्योंकि मुझे उनसे प्रतिशोध लेना है। ठीक, अभी ये एक लाइन, उसके बाद सुना, सुनने के बाद फिर बोला, राइट? ऐसा हुआ क्या कि डायलॉग ऐसा हुआ फट फट फट, ऐसा हुआ? इनके तरफ से एकदम फटक से रिएक्शन आ गया, ऐसा हुआ? इन्होंने सुना ना पहले, तो सुनना जरूरी है, इसलिए मैंने इनको खड़े रहने के लिए बोला। शी इज जस्ट लिसनर, वो सिर्फ सुन रही है। गेटिंग इट? एक्टिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो आगे आने वाला सेशन है उसमें भी ये बहुत जरूरी है, लिसनिंग एक्सरसाइज करने वाले हम लोग। डन? ठीक है, तुम लोग दोनों। थैंक यू सर। अब हम लोग समराइज करते हैं, नाट्यशास्त्र क्यों बनाया गया? कोई रीजन आंसर दे पाएगा? नाट्यशास्त्र की निर्मिति किस लिए की गई, बोलो। हमें भी नाटक देखना चाहिए और सुनना चाहिए। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ कि एक यानी ऐसी कला नहीं थी एक ज़माने में कि जिसमें देखना फिर सुनना फिर फील करना, तीनों चीज़ें एकत्रित नहीं थी। तो सारे लोगों में ब्रह्मा के पास ये लोग सब लोग गए, उन्होंने ये बोला कि हमें ऐसी एक कला दीजिए जिसको हम सुन भी सके, देख भी सके, और वो सबके लिए रहे। थोड़ा सा करेक्शन है, बराबर बोला आपने, थोड़ा सा उसमें ये करेक्शन डाल देना। ओके, बराबर है। और नाट्य शास्त्र अगर हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर, हम अपनी संस्कृति को दिखा सकते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है लोग हंस रहे हैं, बजरंग दल के हो जैसे, मतलब सबका अलग अलग भगवान होते हैं, सबके अलग अलग वहाँ भगवान होते हैं कल्चर वाइज, ठीक है? तो कल्चर को कल्चर मतलब नहीं ठिकाना, इंडियन कल्चर, कल्चर के लिए नहीं, नहीं नहीं कल्चर के लिए, हमारे वहाँ भी होते हैं इसलिए। सर, हम अपने भावों से सामने जो दर्शक हैं उनके लिए पैदा कर, उसको
एग्जैक्टली और क्यों वो रस की निर्मिति करनी है? दर्शकों में वो रस की निर्मिति करके क्या बड़ा उखाड़ना है हम लोग को, क्या करना है सर? क्यों सर, एक्टिंग और नाटक समाज का एक आईना होता है सर। हाँ, हम उसके उसके थ्रू हम कोई सूचना दे सकते हैं। Exactly. या हमारे समाज में जो चल रहा है वो सब दिखाया जा सकता है। समाज में जो मन अस्थिर है उसको स्थिर पे लाना, मन का खेल है ना सब। फिल्में क्यों दिखाई जाती है सोचो, अगर फिल्में होती ही नहीं तो आप क्या होते? आपके लाइफ में से फिल्म्स माइनस कर दो, सीरियल्स माइनस कर दो, जो भी आप एड्स देखते हो, रील्स देखते हो, माइनस करो, सिर्फ काम पे लगो। काम करो घर पे आओ, काम करो घर पे आओ, क्या होगा? बोरिंग लाइफ। तो जिस जमाने में ये हो चुका था उस जमाने में सारे देवलोक, दानव लोग, मानव लोग ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कला हमको बताना जो हम देख भी कर सके, सुन भी सके, उससे हमारा जो मन है उसका मनोरंजन हो। तो लोगों के मन का रंजन करना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। मनोरंजन में तीन चीजें आती है, एजुकेटिंग, एंटरटेनिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। एजुकेटिंग, एंटरटेनिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस, यानी एजुकेट करना, एंटरटेन करना और एक्सपीरियंस को शेयर करना, इसके लिए हमको नाटक करना है, जिसके लिए नाट्य वेद की निर्मिति हुई है। और एक है एम्पथी क्रिएट करना, और एक ई लिख लो उसमें साथ में, ई स्टैंड्स फॉर एम्पथी। ये चार ई है जिसके लिए आप लोग लेट्स एक्ट में एक्टिंग सीखने आए हो। समझा आपको? अगर कोई नेम फेम के लिए हो तो भाई नाटक तुम्हारे बस की बात नहीं है। नेम फेम तो क्या, तुम इंस्टाग्राम पे रील कर दो, नेम फेम मिल जाएगा। एम्पथी, एम्पथी क्रिएट करना लोगों के मन में। आप जब एक्टिंग करते हो ना तो आपके एक्टिंग से लोगों के दिल में एम्पथी क्रिएट हो। समझ में आ रहा है? तो आप लोग नाटक क्यों करेंगे? लेट्स एक्ट में आए हो नाटक सीखने के लिए, सिर्फ फेमस होना इसलिए लेट्स एक्ट के एक्टर बाहर गिरेंगे यहां से, गेट के बाहर निकल के आप लोगों को ये बोलेंगे, नहीं हम तो लेट्स एक्ट में गए थे, हम तो खाली फेमस होने के लिए गए थे, ऐसा होगा? लेट्स एक्ट के लोग क्यों बाहर पड़ेंगे यहां से? Yes. एक मकसद से बाहर निकलो। कलाकार ये समाज का एक वो हिस्सा है जो बहुत ही जिम्मेदार हिस्सा है। आप जिम्मेदार लोग हो। नाट्य शास्त्र हम लोग को यह सिखाता है कि अगर हम नाट्य करते हैं, नाट्य निर्मिति करते हैं, तो हम समाज के कुछ देना लगते हैं, कुछ दे रहे हैं हम समाज को। ऐसे उठपटांग कुछ हरकत मत कर देना उर्फी जावेद जैसी। हाँ, क्या दे रही है? ओनली एंटरटेनमेंट। लोगों का एम्पथी क्रिएट करो, लोगों के मन में कुछ भाव, वो भी भाव क्रिएट कर रही है लेकिन वो भाव अलग भाव है। वो भाव क्रिएट करना है क्या हम लोग को? राइट तो नाटक, इसलिए उसका फील्ड नाटक नहीं है, इसलिए वो जो चाहे कर सकती है, उसको हम लोग उंगली नहीं उठा रहे। आई एम नॉट अगेंस्ट हर, आई एम क्लियरिंग दिस ऑल्सो, उसकी लाइफ है वो करे, पर हमारा जो मकसद है, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। उसके रील्स देखना बंद